सबसे स्मार्ट लर्निंग चैनल ये है टीआरएस क्लिप्स हिंदी सब्सक्राइब करो बेल आइकॉन क्लिक करो और जल्दी 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 सीखते जाओ यू कीप टॉकिंग अबाउट दिस द होल वन परसेंट थिंग दैट यू हैव ओनली अचीव वन परसेंट ऑफ योर करियर कैन यू एक्सप्लेन मी थोड़ा व्हाट डू आई फील कि आप भी उसी जोन में जी रहे हो हाँ? ना मुझे कभी कभी लगता है कि बहुत मतलब आई एम प्रिटी अहेड नाउ मतलब प्रिटी अहेड मतलब ऐसे नहीं कि आई एम अच्छा किया बट व्हाट डू मीन बाय हर इंसान की एक जेनेटिक प्री होती है मतलब आपका दिमाग बाय डिफॉल्ट एक पैटर्न में चलता है और मेरा पैटर्न बचपन से ये रहा है कि डेफिनेटली इज हेड मेरे को हमेशा ये पता था कि मैं बाकी लोगों से थोड़ा ज्यादा स्मार्ट हूँ hmm. बाकी लोगों से थोड़ा ज़्यादा केपेबल हूँ बाकी लोगों से थोड़ा ज्यादा जो भी हार्ड वर्किंग हूँ और एक बार जब आपने अपने स्मार्ट्स अपने हार्डवर्क अपने क्रिएटिविटी से थोड़ा सा सक्सेस देख लिया ना वो ईजिली आपके दिमाग में घुसकर एरोगेंस बन सकता है hmm. तो उस एरोगेंस को काउंटर करने के लिए मैंने दो सोल्यूशन ढूंढे एक मेडिटेशन है और दूसरा सोल्यूशन है ये कि मैं हमेशा हर दिन उठकर ये कहता हूँ कि कुछ भी नहीं किया इट्स जस्ट वन परसेंट एंड वो मुझे एंकर करता है बट आई स्ट्रांगली एक्चुअली फील दैट आई फील मुझे लगता है कि मैंने पाँच साल में कुछ नहीं किया मैंने अंडर परफॉर्म किया है

फ्रॉम ah, जिम mm. से जो चालू किया फॉर मी फैशन कॉन्टेंट मैं इतना नहीं हूँ बट दे से आज तक देखता देखता हूँ आई मीन दिस इज माई बेहोप सी दिस इज वोट लाइक आई स्लीप वेल बिकॉज आई नो की पांच साल की मेहनत से ठीक है एक मिनट पर भी निकलता इट्स इट्स गुड फॉर मी लाइकेंट फॉर बिजनेस इज डेफिनेटली मनी वो बाद में जाकर स्वदेश का शाहरुख खान बनना है पर कॉन्टेंट वाइज इज दिस क्रिएट विथ पार्ट्स